मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। राग आशा भजन इकट्ठी कर ब्रह्म देश दीदारा कर। ब्रह्म देश दीदारा ले ज्ञान गुरु से प्यारा। कर ब्रह्म देश दीदारा। कर ब्रह्म देश दीदारा। कोटि भूम जल अगन आकाशा। कोटि भूम जल अग्नि प्रकाशा। कोटि पवन पुन कोटि आकाशा। सब जिस से हो विस्तारा। ओ कर ब्रह्म देश दीदारा। कर ब्रह्म देश दीदारा। कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर। कोटि रवि शशि सुरपति सुरवर। ये जामे हो लय सारा। कर ब्रह्म देश दीदारा। कर ब्रह्म देश दीदारा। कहते उठते हैं सोजन देखे। जीव ब्रह्म जो एक कर पेखे। वो पावत आनंद अपारा। ले ज्ञान गुरु से प्यारा। ओ ले हरे राम वो पावत आनंद अपारा। कर ब्रह्म देश दीदारा। ले ज्ञान गुरु से प्यारा। कर ब्रह्म देश दीदारा। कर राग आशा भजन 31 कर ब्रह्म देश दीदारा। ले ज्ञान गुरु से प्यारा। अमर देश ब्रह्म देश का दिव्य दीदार गुरुदेव की कृपा से होगा। उनसे ज्ञान प्राप्त करके जिज्ञासु उस ब्रह्म देश का दीदार करता है। कोटि भूमि जल अग्नि प्रकाशा। कोटि पवन पुण कोटि आकाशा। सब जिससे हो निस्तारा। जिससे सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है। अनंत भूमिया जल अग्नि और सूर्य के प्रकाश पवन आकाश ये सब विस्तार उस परब्रह्म परमात्मा के संकल्प से हुआ है। कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर। कोटि रवि शशि सुरपति सुरचर सुरवर। देवता और देवताओं के जो अधिपति हैं इंद्र आदि चंद्रमा सूर्य ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि देव। ये जामे लय हो सारा। जिसमें से उत्पन्न होकर जिसमें विलीन होते हैं उस ब्रह्म तत्व का दीदार करो। कहे टेहूं ते सो जन देखे।
जीव ब्रह्म जो एक कर पेखे। ये जीव उस ब्रह्म का ही स्वरूप है। ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होगी और उस ईश्वर की प्राप्ति से ही दोनों की एकता सिद्ध होगी, जीव और ब्रह्म की एकता। सो पावत आनंद अपारा, ब्रह्म परमात्मा का ही ये स्वरूप जीव है। गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त करके उनकी बताई हुई विधि पर चलकर जाप करके जीव उस ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। पशु ते मानुष कियो, मानुष ते कियो देव, कहटे हूं गुरुदेव ते की ना अलख अभेव। इस जिज्ञासु को जो पशुवत जिसका स्वभाव है उसको मनुष्य, मनुष्य से देवता, देवता से ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति गुरुदेव की कृपा से होती है। पुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली
पांच रतन प्रधान, पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा प्रवाणी हिंदी अमरा प्रवाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।